नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे हो कि दोस्तों आप लोग को आज ये नवरत्नगढ़ किला लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग को अंदर लेके चलते हैं, अंदर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, तो चलिए दोस्तों आप लोग को अंदर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी नवरत्नगढ़ किला में हूँ और मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये नवरत्नगढ़ के किला है और ये खुदाई के द्वारा इसको निकाला गया हुआ है। पुरातत्व विभाग लोग इसे खुदाई करके निकाला है। मैं पहले वीडियो बनाया था, उस समय ये नहीं हुआ करती थी। तो चलिए दोस्तों आप लोग को पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इस प्रकार ये नज़ारा है, जो नागवंशी राजा का ये महल हुआ करती थी, शायद ये राजधानी हुआ करती थी। तो दोस्तों ये पूरा ज़मीन दोष हो गई थी, उसे खुदाई के द्वारा इसको बाहर निकाला गया है अभी। और ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर से बना हुआ है, शायद ये रूम हुआ करती थी होगी। और इसका छत अभी शायद टूट गया है और काफ़ी छोटे छोटे दरवाज़ा देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, छोटे छोटे दरवाज़ा और शायद रोशनी के लिए ये छोटे छोटे खांचे बने होंगे। तो ये नागवंशी राजा का गढ़ माना जाता था इसे, इस प्रकार ये नज़ारा है। और एक इधर भी देखने को मिल जाएगी रूम, और सामने यहाँ पे एक रूम था, शायद इसे बंद कर दिए हैं। काफ़ी खूबसूरत सा ये नज़ारा लग रहा है कि ये मिट्टी का बना हुआ है, मगर ये पता नहीं क्या चीज़ का बना हुआ है। और काफ़ी सुंदर सुंदर अल्पना यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। डिजाइन भी काफ़ी खूबसूरत सा डिजाइन है और काफ़ी प्राचीन, ये अंग्रेज़ों के समय से पूर्व का ये बना हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये शायद रोशनी आने के लिए बना हुआ था। तो दोस्तों मेरे पीछे देख पा रहे हो, काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पे महल हुआ करती थी। अभी ये ज़मीन दोष हो गई है और ये अभी कुछ साल पहले ये पुरातत्व के लोग इसे खुदाई करने पे लगे हुए हैं और काफ़ी सारा अवशेष यहाँ पे मिली हुई है, जो सामने देख सकते हैं ये खुदाई के द्वारा अभी निकाली गई हुई है। तो नवरत्नगढ़ किला जो यहाँ पे, जब मैं पहले यहाँ पे आया था तब ये पूरा ज़मीन के अंदर थी, अब ये खुदाई के द्वारा बाहर निकाली गई है। तो दोस्तों मेरे पीछे जस्ट देख पा रहेंगे होंगे, ये नवरत्नगढ़ का मेन किला है और कहा जाता है कि ये 9 मंजिल का हुआ करती थी और 1, 2, 3 मंजिल अभी जस्ट दिखाई दे रही है और शायद 6 मंजिल ज़मीन दोष हो गई है। तो पता नहीं इसका सच क्या है। तो चलिए आप लोगों को चारों ओर का नज़ारा दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। और मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत सा अल्पना बना हुआ है, ये नागवंशियों का महल हुआ करती थी। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार ये छोटे छोटे दरवाजे और रोशनदान छोटे छोटे यहाँ पे काफ़ी दिखाई दे रही है। तो मेरे जस्ट पीछे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये भी खुदाई करके अभी साफ किया हुआ है और इसका मालवा मेरे जस्ट पीछे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी छोटे छोटे कमरे हैं और देखने लायक काफ़ी खूबसूरत सा है। ये पत्थर के द्वारा बना हुआ है और कौन सी सीमेंट का प्रयोग किया हुआ है जो रेड रेड कलर की है, सीमेंट तो सीमेंट ही है मगर ये रेड कलर की सीमेंट हो सकती है या तो कोई बालू रेड कलर का प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा ये नवरत्नगढ़ किला। तो दोस्तों मैं चलते चलते देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पीछे ये सनलाइट के जस्ट उल्टा साइड है दोस्तों, यहाँ पे गणेश का आकृति बना हुआ है ये पत्थर, विशाल पत्थर में।
और ये घेरा किया हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है। तो मैं नवरत्नगढ़ में, आप लोग को मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं दोस्तों, शिवलिंग ये पत्थर को काट के आकृति तैयार किया गया है और काफ़ी खूबसूरत सा ये पत्थर में शिवलिंग का निर्माण किया गया है। तो शायद ये नागवंशी राजा के समय का ही बना हुआ है और इसको अभी घेरा करके रखा हुआ है, तो सामने से आप लोग को नहीं दिखा सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आना है तो दोस्तों शीशे से कुछ दूरी पे 8-9 किलोमीटर में ये नवरत्नगढ़ किला देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ भी खुदाई हो रही है, तो ये अभी खुदाई चल ही रहा है और यहाँ भी खुदाई करके यहाँ पे कुछ महल का अवशेष निकाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप लोग को तालाब दिखाते हैं, जो नागवंशियों का तालाब हुआ करता था, जहाँ पे स्नान ध्यान करते थे। तो चलिए आप लोग को वहाँ लेके चलते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे जस्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये तालाब है और ये नागवंशियों राजाओं का तालाब हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ पे पानी का सुविधा तो नहीं है, बस यही तालाब दिखाई दे रही है, तो शायद इसी में नागवंशी राजा रानी लोग शायद स्नान किया करते होंगे। तो आगे चलिए, आप लोग को पीछे जस्ट दिखाई दे रही है, वहाँ पर लेके चलते हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को। और दोस्तों मेरे पीछे जस्ट देख पा रहे हुए, ये भी एक महल है और यहाँ पे काफ़ी जर्जर होते हुए ये शायद ये गिरने के कगार में होगी। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं अंदर लेके। और जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये चोटी की तरह दिखाई दे रही है, वो शायद उसे मरम्मती किया गया है। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, शायद ये महल हुआ करती थी होगी, ये अभी जर्जर हो गई है और ये गिरने की कगार में है। इधर भी देख सकते हैं, इधर भी काफ़ी मलबा पड़े हुए हैं और इसके तो छत पूरा उजड़ ही गया है। और जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, इधर भी शायद महल हुआ करती थी, पूरा जर्जर हो गई है। अब यहाँ पे चिड़ियों का बसेरा लगा हुआ है। और दोस्तों देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जस्ट, ये काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन है, तो शायद ये भी कुछ रहा करती थी होगी। और यहाँ पे मेरे पीछे जस्ट नीचे नीचे अभी खुदाई करके इसको समतल किया गया है। जब मैं पहले बार आया था तो ये मिट्टी यहाँ तक थी और इसे मरम्मती किया गया है। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी खुदाई करके काफ़ी अवशेष को निकाला हुआ है। और यहाँ पे अंदर जाने के लिए यहाँ पे दो सीढ़ी बनी हुई है और इस प्रकार ये डिजाइन है। जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, तालाब, तो इसे भी खुदाई करके काफ़ी साफ़ सुथरा किया गया है, मगर पानी इसका अभी भी ग्रीन ग्रीन है। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरे चारों ओर का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा। अगर यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर एक बार आके विजिट कर सकते हैं। और ये नागवंशियों का गढ़ को देख सकते हैं, तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा मेरे मन में तो लगा। अगर आप लोगों को कैसे लगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है घर। और देख सकते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी दरवाज़ा है, इसके अंदर जाने पर काफ़ी भूल भुलैया की तरह लगती है, चारों तरफ सिर्फ गेट ही गेट है। देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे गेट लगे हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इसके अंदर लेके चलता हूँ। ये काफ़ी छोटे छोटे रूम देखने को मिल जाएगी और इसकी छत, और एक रूम इधर भी देखने को मिल जाएगी और एक रूम इधर, अनेकों रूम यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मेरे जस्ट पीछे भी इधर भी देख सकते हैं एक रूम है, और मेन अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंधेरा है और इसके अंदर भी एक छोटी सी रूम है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसके काफ़ी अनेकों दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, लगता है ये भूल भुलैया नागवंशी और राजा का भूल भुलैया महल हुआ करती थी होगी। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार ये नवरत्नगढ़ किला का नज़ारा है।
पीछे पहाड़ है और मेरे पीछे जस्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये नवरत्नगढ़ किला का मेन महल है और ये चारों ओर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे घेरा लगाया हुआ है और इसके अंदर भी अभी खुदाई चल रही है, देख सकते हैं खुदाई के द्वारा काफ़ी यहाँ पे अवशेष अभी निकल आई है और इधर भी टूटा फूटा है, उसे भी शायद मरम्मती किया जा रहा है, थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो चलिए आप लोग को चारों ओर का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आप लोग को नवरत्नगढ़ का किला पे लेके आया हूँ और मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये पुरातत्व के विभाग लोग यहाँ पे खुदाई करके इसे निकाल कर कुछ अवशेष यहाँ पे रखते जा रहे हैं। जो खुदाई के द्वारा जो कुछ मिल रही है उसका यहाँ पे एकत्रित किया जा रहा है और मेरे पीछे जस्ट देख सकते हैं ये भी खुदाई के द्वारा मिला हुआ है और जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी यहाँ पे पत्थर का इकट्ठा जमावड़ा है और इसमें हर पत्थर में कुछ ना कुछ डिजाइन है। तो पूर्वजों का ये काफ़ी आकर्षित पूर्वक ये महल हुआ करता था, हर पत्थर पे डिजाइन है, कुछ ना कुछ डिजाइन है, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत सा यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा डिजाइन बना हुआ है पत्थर में, पत्थर को काट काट के यहाँ पे आकार बनाकर महल बनाया गया था और भारत सरकार द्वारा इसे ना देखकर अनदेखी करने के बाद ये पूरा ध्वस्त हो गई है, तब जाके ये पुरातत्व के लोग आके इसे खुदाई कर रहे हैं। तो चलिए, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।